तरफ जिहाद मामले से बड़ी खबर आ रही। इस मामले में मुंबई पहुंची है रांची पुलिस ने पीड़ित मॉडल का बयान भी दर्ज करवाया है। साथ ही जानकारी मिल पा रही है कि मॉडल ने रांची पुलिस को कई सबूत भी सौंप दिए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, रांची पुलिस ने बयान दर्ज किया है मॉडल का। मुंबई के वर्सोवा थाने में बयान दर्ज किए गए हैं। अब जानकारी मिल पा रही है कि मॉडल ने रांची पुलिस को कई अहम सबूत दिए हैं, अपने बयान भी दर्ज करवाए हैं। तनवीर खान के खिलाफ ये सबूत सौंपे गए हैं रांची पुलिस को। तो आपको बता दें कि इस बड़े मामले में अब जो मॉडल है उसके बयान दर्ज कर लिए गए हैं मुंबई के वर्सोवा में। दिवाकर हमारे सहयोगी फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़े हैं। दिवाकर, क्या जानकारी मिल पा रही है, कौन कौन से सबूत यहां पर तनवीर के खिलाफ सौंपे गए हैं? देखिए, जाहिर तौर पर क्योंकि तनवीर ने जो एग्रीमेंट किया था मॉडल के साथ, इसके अलावा जो उसने कंसेंट दिया था कि 50% पार्टनरशिप उसकी कंपनी में वो ले सकती है, ये तमाम जो दस्तावेज हैं वो रांची पुलिस के अधिकारी विवेक सिंह को सौंपे गए हैं। इसके अलावा जो 3 घंटे बयान दर्ज हुआ है बीती रात जो है, उसमें साफ तौर पर मॉडल ने उन तमाम चीजों का जिक्र किया है जिसका आरोप लगातार वो लगाते हुए आई थी, किस तरह से वर्सोवा मेट्रो के इलाके में उसके साथ मारपीट की गई थी ऑटो में घुसकर। इसके अलावा तनवीर ने बाकायदा गन निकाल कर उसको जान से कोशिश की थी, ये तमाम चीजें उसने अपने बयान में मेंशन की है। अब रांची पुलिस का जो अधिकारी है इस वक्त मुंबई में ही मौजूद है इस वक्त, और उसका कहना है कि थोड़ी देर बाद ये तय होगा कि वो आज जांच के लिए मुंबई में रहेगा या रांची वापस जाएगा, क्योंकि अपने आला अधिकारियों का इंतजार है उसे। लेकिन मॉडल ने तमाम चीजें उन्हें सौंपी है, और जाहिर तौर पर अब रांची पुलिस के लिए जरूरी यह है कि तनवीर खान कहाँ है उसका पता लगाया जाए। शुक्रिया देवाकर फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए।